पंजाब सरकार ने दूसरे राज्यों से परीक्षा देने और काम के सिलसिले में आने वाले लोगों को रियायत देने का फैसला किया है। ऐसे लोगों को अब पंजाब में 72 घंटे से कम समय के लिए आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा। यहाँ आने पर उन्हें सूबे के चेक पोस्ट पर स्व घोषणा पत्र देकर बताना होगा कि वे पंजाब में कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन ठहरेंगे। अगर कोई 72 घंटे से अधिक ठहरता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यह छूट परीक्षा देने वाले छात्रों और कारोबारी यात्रियों को दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब बाकी घरेलू मुसाफिरों के लिए होम क्वारंटाइन की व्यवस्था पहले ही तैयार कर चुका है। छूट हासिल करने वालों को कोवा ऐप के तहत सूबे में प्रवेश करते वक्त चेक पोस्ट नाके पर ऑफिसर इंचार्ज को एक स्व घोषणा पत्र देना होगा। साथ ही मोबाइल फोन पर कोवा ऐप डाउनलोड करनी होगी। इस ऐप पर यात्रियों के बारे में सूचना देने वाले हिस्से में अपनी जानकारी देनी होगी। पंजाब में ठहरने के दौरान कोवा ऐप सक्रिय रखना पड़ेगा। पंजाब आने वालों को यह भी बताना होगा कि वह किसी कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे हैं और राज्य में पहुंचने के समय से लेकर वह पंजाब में 72 घंटे से अधिक समय के लिए नहीं ठहरेंगे। इस दौरान उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज शाम प्लस।